अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर ऑल गुड एंड फाइन विद द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह। वेलकम टू आर ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम सिविलाइज एजुकेशन सिस्टम। टुडे आई एम रिकॉर्डिंग अ फिजिक्स लेक्चर फॉर क्लास प्री 9th and 9th, लेक्चर नंबर 6, यूनिट नंबर 1, विच इज़ फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। पिछली वीडियोज़ में हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं, अगर आप में से किसी ने वो वीडियोज़ या वो टॉपिक्स अभी तक नहीं सुने तो आप स्कूल के यूट्यूब चैनल पर और वेबसाइट पर जाकर उनको सुन सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था SI यूनिट्स एंड बेस यूनिट्स एंड ड्राइव्ड यूनिट्स। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रीफिक्सेस। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर्स एडेड बिफोर SI यूनिट्स सच एज किलो, मेगा, गीगा एंड मिली। प्रीफिक्सेस बेसिकली उन वर्ड्स या उन लेटर्स को कहा जाता है जो किसी भी SI यूनिट से पहले इनको इस्तेमाल किया जाता है इनको बेहतर तरीके से डिफाइन करने के लिए। SI यूनिट्स हैव द एडवांटेज दैट देयर मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ प्रीफिक्सेस। अब SI यूनिट्स का ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अगर उनकी बहुत बड़ी सब मल्टीपल्स को या सब मल्टीपल्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रीफिक्सेस की फॉर्म में। अब प्रीफिक्सेस बेसिकली क्या है? आसान अल्फाज में अगर इसको डिफाइन किया जाए तो प्रीफिक्सेस, अगर आप इस वर्ड को, प्रीफिक्सेस के वर्ड को अगर आप दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो प्री का मतलब होता है बिफोर एंड फिक्स का मतलब है कोई भी फिक्स क्वांटिटी। किसी भी फिक्स क्वांटिटी से पहले अगर आप कोई यूनिट या ऐड कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रीफिक्स। जैसे कि अगर आप मीटर एक यूनिट है, अगर उससे पहले अगर आप किलो यूज़ करेंगे, किलोमीटर, तो ये दो यूनिट्स इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। तो किलो बेसिकली एज अ प्रीफिक्स इस यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे हम एक लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी या एक बड़ी फिगर को या एक स्मॉलर फिगर को बेहतर तरीके से अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। एक टेबल में आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आपको एक टेबल आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। इसके तीन कॉलम्स हैं, प्रीफिक्स, सिंबल एंड मल्टीप्लायर। डिफरेंट तरह के प्रीफिक्सेस दिए हुए हैं और इनके सिंबल्स तो आपको पता है कि सिंबल्स हम किसी भी यूनिट को शॉर्ट में इजी फॉर्म में इस्तेमाल करने के लिए इनका यूज़ करते हैं। और मल्टीप्लायर बेसिकली वेटेज ऑफ द क्वांटिटी को शो करता है, यानी कि कोई भी क्वांटिटी कितनी लार्जर या कितनी स्मॉलर है इसको शो करने के लिए हम मल्टीप्लायर्स को यूज़ करते हैं। और मल्टीप्लायर बेसिकली एक फिगर को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर डिफाइन लिख सकते हैं। जैसे कि आपके पास फर्स्ट जो प्रीफिक्स है वो है एग्जा और इसका जो सिंबल है वो कैपिटल ई है और इसका जो मल्टीप्लायर है वो है 10^18। अब 10^18 का मतलब ये है कि आप 10 के साथ 18 जीरोस को ऐड करेंगे। अब ये इतनी बड़ी क्वांटिटी को अगर आप बार बार लिखेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसको इजी बनाने के लिए हम मल्टीप्लायर में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि 18 जीरो को बजाय कि 18 मरतबा लिखने के आप उसको 10 की पावर 18 बना देते हैं। अब मोस्ट जो कॉमन यूज़ होने वाले प्रीफिक्सेस हैं इसमें हम ज़्यादातर गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, ये सारे हम इस्तेमाल करते हैं और इनके सबके सिंबल्स को मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है और इनके मल्टीप्लायर्स। कुछ जो चीज़ें हैं जो मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि किलो, इसको हम स्मॉल केसेस रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो मल्टीप्लायर है वो 10^3 है, जिसका मतलब है 1 के साथ 3 जीरोस यानी कि 1000। इसी तरह से अगर आप मिली को देखें तो मिली बेसिकली स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो मल्टीप्लायर है वो है 10^-3, दैट्स मीन कि 1 को डिवाइड करना है आपने 1000 के साथ। इसको अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए, अच्छे से समझने के लिए अगर हम ये एग्जांपल पढ़ें, द प्रीफिक्सेस आर यूजफुल टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज एंड स्मॉल क्वांटिटीज। अब प्रीफिक्सेस बेसिकली आपको शुरू में बताया गया है कि बहुत लार्ज या बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें, आपके पास एक फिगर दिया गया है 20,000 ग्राम्स का, आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ये याद रखना है आपने कि अगर आप किसी छोटे यूनिट से, स्मॉलर यूनिट से किसी लार्ज यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं वैल्यू को तो आप डिवाइड करते हैं, और अगर आप किसी स्मॉलर लार्जर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ जाते हैं तो आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये बेसिकली एक ही एग्जांपल है जिसको दो तरीकों से समझाया गया है। अगर 20,000 ग्राम को आप किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप बेसिकली किलो का जो मल्टीप्लायर है, जो कि हम पिछले टेबल में देख चुके हैं, किलो का मल्टीप्लायर क्या पढ़ा था हमने, 10^3, दैट्स मीन 1000। इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से आप यहाँ से समझ सकते हैं। एज यू ऑलरेडी लर्न्ड द मल्टीप्लायर ऑफ किलो इज़ 10^3,
इज इक्वल टू 1000। आपको आप पढ़ चुके हैं टेबल में कि मल्टीप्लायर जो है किलो का वो 1000 है। वी कैन ऑल्सो राइट 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स इज इक्वल टू 10^3। 20 ग्राम्स, अगर आप 20 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो किलो के जो किलो का जो मल्टीप्लायर है 1000, उससे आप इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद आपके पास जो नंबर रह जाता है वो है 20 किलोग्राम। और इसका दूसरा जो मेथड है इसको किलो ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, वो ये है कि आप 20,000 की नंबर को मल्टीप्लायर में कन्वर्ट कर दें 1000 के मल्टीप्लायर में। एज यू नो कि यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ यूज़ किए जा रहे हैं, दैट्स मीन 20 को मल्टीप्लाई किया जा सकता है 1000 से, और जो 1000 है उसको आप किलोग्राम का मल्टीप्लायर बनाकर लिख सकते हैं। अब 20 एज इट इज़ एंड 10^3 की जगह पे आप इसका 1 kg या kg का जो यूनिट है वो यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आप नेगेटिव या स्मॉलर वैल्यूज़ के लिए भी कर सकते हैं। इसको ज़्यादा डिटेल में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग दिस लेसन, देन डू आस्क क्वेश्चन इन आर व्हाट्सएप ग्रुप और कमेंट सेक्शन बिलो द यूट्यूब वीडियो। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे होम। अल्लाह हाफिज़।